स्मार्ट कास्ट आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। अरे यार, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगता है आज रात हमें यही रुकना पड़ेगा। हाय गाइस, वो बहुत बारिश हो रही है, यहाँ एक ही टेबल है और मैं यहाँ अकेला ही हूँ। Would you mind sharing a table? No problem, dude. Come. By the way, I'm Sam. Hi, I'm Neil. और ये है हमारा गैंग। Guys, this is Neil. Hi, I'm Reema. Hi, Reema. Hi, guys. वो बाइक जो पार्किंग में, क्या वो तुम्हारी है? मैं एक बार प्लीज चला सकता हूँ? सारा क्या था ये? Because you deserve it. Sorry, इसे ना मैनर्स नहीं है। मैं हूँ सारा and this idiot is Aditya. Idiot किसको बोली? तुम लोग कोई ट्रिप पर जा रहे हो क्या? हम ना एक्चुअली कैंपिंग करने आए थे, बट ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, ये बारिश तो नहीं रुकने वाली है। ये सब छोड़ो, यू लुक लाइक अ सोलो ट्रैवलर, राइट ब्रदर? ट्रैवलर? हाँ, ये समझ लो कि मैं एक यात्रा पर हूँ, अमरनाथ जा रहा हूँ। वाह, यात्रा, व्हाट अ कूल वर्ड मैन। How cool are you, solo यात्री? अरे सोलो कहाँ हूँ, नंदू है ना मेरे साथ। नंदू? मेरी प्यारी नंदू, my companion. मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ साथ चलती है मेरी बाइक। प्यार से मैं इसे नंदू बुलाता हूँ। भाई जी, जरा न्यूज थोड़ी तेज करना, देखे तो मौसम का क्या हाल है। ये है उत्तरकाशी के जोशियारा में तबाही की खौफनाक तस्वीर। भागीरथी नदी के रास्ते में जो कोई भी आया तिनके की तरह बह गया। कहीं मकान के नीचे की जमीन खिसक गई तो कहीं तीन मंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह ढहकर नदी की तेज धार में समा गया। गाइस, मुझे ना अब सही में डर लग रहा है। सीरियसली मैन, वेदर इतना खराब हो जाएगा, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। लुक्स लाइक नेचर इज गिविंग इट बैक टू अस। ऑफ कोर्स, न्यूज़ में नहीं सुना गंगा का आक्रोश? बट ऑन अ सीरियस नोट, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है यार। लोग मर रहे हैं, गांव के गांव बह रहे हैं। How is it going to stop? लगता है स्वयं शिव को ही दोबारा आना पड़ेगा, वही रोक सकते हैं गंगा के आक्रोश को। What? What is this about? What? महादेव? महादेव को नहीं जानते? अरे डूड, शिवजी को तो जानते हैं, पर शिवजी ने गंगा को रोका था, कब? हाँ, ये स्टोरी तो बहुत पॉपुलर है। मैं बताता हूँ, कई साल पहले इश्कवाकु के राजा सागर ने एक अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ को सफल होता देख इंद्र को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने उस यज्ञ के अश्व यानी घोड़े को उठा लिया और महर्षि कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। उसके बाद हमारे यज्ञ के अश्व का हरण हुआ है, मेरे हजार से भी अधिक पुत्र होकर भी एक एक अश्व का ख्याल नहीं रख सके। जाओ, शीघ्र जाओ तुम सब और पता लगाओ कि हमारे यज्ञ में कौन बाधा डाल रहा है। मुझे वो अश्व वापस चाहिए, चाहे उस अपराधी को मृत्यु दंड भी देना पड़े तो दो, पर उस अश्व को वापस लेकर आओ। हम उस अपराधी को अवश्य ढूंढेंगे पिताश्री, आप चिंता ना करिए। चलो भाइयों। वो देखिए भैया, हमारा अश्व वहाँ। ये क्या? ये तो महर्षि के कुटिया के पास बंधा है। रुक जाइए महर्षि, आप पापी हैं। हमारे पिताश्री के अश्वमेध यज्ञ को रोककर आप तपस्या कर रहे हैं। हमने कहा रुक जाइए, आपने अभी तक हमारा बल नहीं देखा महर्षि, अभी दिखाता हूँ। ठहरो मूर्खो, क्या तुम्हें आभास है? तुमने महर्षि कपिल की सालों की तपस्या भंग की है, घोर पाप किया है तुमने, घोर पाप। तुमने एक क्षण में मेरी सालों की तपस्या को भस्म कर दिया है। इस भूल के लिए मैं महर्षि कपिल तुम सबको श्राप देता हूँ। इसी तरह तुम सभी यही भस्म हो जाओगे और तुम्हारी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी।
कृपा करें महर्षि, कृपा करें। मैं महाराज सागर का इकलौता पौत्र अंशुमन हूँ। आपने महाराज सागर के सारे पुत्रों को भस्म कर दिया। हम पर कृपा करें महर्षि और मेरे सारे पूर्वजों को मुक्ति दे। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है अंशुमन, इसलिए मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर तुम्हें यह अवश्य बता सकता हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही उपाय है अंशुमन। माँ गंगा तुम्हारे पूर्वजों को पवित्र बनाकर मेरे श्राप से मुक्त कर सकती है। अगर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करोगे तो शायद वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। आशीर्वाद दे महर्षि, मैं अभी ब्रह्मदेव की पूजा आरंभ करता हूँ। इसके बाद अंशुमन ब्रह्मदेव को खुश करने की कोशिश में जुट गए, पर वो सफल नहीं हो पाए। उनके बाद उनके बेटे दिलीप ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। जब दिलीप अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे भगीरथ को बुलाया। भगीरथ, हम हमारे पूर्वजों की आत्माएं अभी भी मुक्ति नहीं पा सकी। सब तड़प रहे हैं। मेरे पिताजी और मैं उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाए पुत्र। अब ये तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ही ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके देवी गंगा को इस धरती पर लाना होगा। इस धरती पर लाना होगा पुत्र। पिताश्री, हमारे पूर्वजों की आत्माओं को मैं अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। भगीरथ, आंखें खोलो पुत्र। ब्रह्मदेव, धन्य हो गया मैं ब्रह्मदेव। आपने मुझे दर्शन दे दिए। मेरी वर्षों की तपस्या का फल मुझे मिल गया। मैं तुम्हारी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ पुत्र। कहो भगीरथ, क्या वरदान चाहते हो? महर्षि कपिल के श्राप से मेरे सारे पूर्वज भस्म हो गए, किंतु भस्म होने के बाद भी वो मुक्त नहीं हो पाए। महर्षि कपिल अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे ब्रह्मदेव, इसलिए महर्षि ने बताया कि केवल माँ गंगा ही है जो उन सबको मुक्ति दिला सकती है। ठीक है पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्याधिक प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हारी इस पीड़ा को अवश्य दूर करूंगा। तथास्तु। देवी गंगा, ये आपका अपमान या अनादर नहीं है। आपसे अधिक पावन इस त्रिलोक में कोई नहीं है, इसीलिए मनुष्य के पाप केवल आप ही धो सकती हैं। आप चाहे जो भी कहे ब्रह्मदेव, मेरे लिए धरती पर जाना अपमान समान ही है। और यदि फिर भी आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं धरती पर जाऊंगी नहीं, गिरूंगी, किंतु धरती मेरा भार नहीं ले पाएगी। मेरे भार से धरती का नाश होगा, धरती का नाश। भगीरथ पुत्र। जी ब्रह्मदेव, आप यहाँ? पुत्र, तुम्हारी इच्छा अनुसार देवी गंगा धरती पर जाने को तैयार है, किंतु। किंतु क्या? गंगा देवी धरती पर अवश्य आएंगी, किंतु उनकी धारा का भार ये धरती नहीं ले सकेगी। धरती संकट में है। ब्रह्मदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या देवी गंगा को रोकने वाला कोई नहीं है? है, केवल एक ही है पूरी सृष्टि में जो देवी गंगा को रोक सकते हैं। कौन है वो? देवों के देव, महादेव। नमः शिवाय। महादेव, मैं कई वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए। तुम्हारी नीयत बहुत नेक है पुत्र, देवी गंगा तुम्हारी सहायता करेंगी। किंतु महादेव, देवी गंगा तो। मैं जानता हूं पुत्र, देवी गंगा बहुत क्रोधित हैं, पर उन्हें मैं रोक सकता हूं, तुम निश्चिंत रहो। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा ईश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
जो मेरी धारा को रोकने का प्रयत्न कर रहा है। रुक जाओ देवी गंगा, मैं हूँ शिव। तुम्हारी धारा का संवेग इस धरती को नाश कर सकता है, इसलिए रुक जाओ। महादेव, मेरी धारा अब रुक नहीं सकती, और यदि आप भी इस प्रवाह में बहना नहीं चाहते हैं, तो मेरी धारा के रास्ते पर बाधा ना डालें। ठहरो गंगा, अन्यथा मुझे खुद तुम्हें रोकना होगा। आपका ये प्रयत्न व्यर्थ है ईश्वर, हट जाए वहाँ से। आपने मुझे रोक तो लिया, किंतु भगीरथ की इच्छा पूरी कैसे होगी? जैसे ही आप मुझे अपनी जटाओं से मुक्त करेंगे, मेरा संवेग बढ़ जाएगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था देवी, और भगीरथ की इच्छा तो पूरी होगी ही, इसलिए आप भी जान लें, मैं अपने जटाओं को खोलकर आपको सात धाराओं में मुक्त करूंगा, और भगीरथ आपको अपने पूर्वजों तक ले जाएगा। आपकी एक धारा इस धरती पर ही रहेगी, और मनुष्यों के पापों को धोकर उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाएगी। इस तरह शिवजी ने माँ गंगा को और उनके आक्रोश को संभाल लिया। ये तो शिव ही कर सकते थे। हाँ, बट अभी हमें यहाँ कौन बचाएगा? यहाँ तो शिव नहीं है ना? है तो, तुम्हारे सामने बैठे हैं। ओ मिस्टर नील, आप अपने आप को शिवजी समझते हैं? कुछ भी डूड, पता है कि नहीं, सालों साल तपस्या करते हैं ऋषि मुनि लोग इस सब के लिए। ये सच है कि उसकी खोज में ऋषि मुनि न जाने कितनी तपस्या करते हैं, बड़े बूढ़े भी उससे मिलने के लिए यात्राओं पर निकल पड़ते हैं, उसके दर्शन पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं। पर ताज्जुब है कि अच्छे अच्छे भी ये समझने में न जाने क्यों ये भूल कर जाते हैं कि भगवान शिव सिर्फ एक दिव्य शक्ति ही नहीं, शिव वो ताकत है जो सदा सदा बुराई के खिलाफ खड़ी रहती है। शिव तो शक्ति है जो प्रकृति में बसती है। वो कहते हैं ना, हर हर महादेव, हम सब में महादेव है, यानी देखा जाए तो शिव तो सदैव हमारे साथ हैं। What a wonderful thought, Neil. I'm really impressed. That we all can see. Shut up, guys. But Neil, हम तो सिर्फ college students हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये nature पर हमारा थोड़ी कोई control है, और हमारे पास तो शिव जैसे कोई super powers भी नहीं है। अरे वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। We can all contribute in our own little ways. मुझे पता है, disaster management team को join कर सकते हैं, है ना Neil? हाँ बिल्कुल, अपने अंदर के शिव से पूछो, तुम क्या नहीं कर सकते? यंग ब्लड हो, साथ हो, अपने सेंसेस में हो, अवेयर हो, बहुत लोगों से ज्यादा प्रिविलेज्ड हो, एडवांटेज पोजीशन में हो, तो वॉलंटियर करो, फ्लड रिलीफ कैंप सेटअप करो, आर्मी को रेस्क्यू करने में हेल्प करो, फंड्स इकट्ठा करो, फ्लड से अफेक्टेड लोगों तक खाना, कपड़े और जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद करो, और नील और सारा, अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखने की तरफ कॉन्शियस एफर्ट्स करो। Makes sense. You make a lot of sense, Neil. Guys, come on. देखा जाए तो नील ठीक ही तो कह रहा है। हाँ, we are aware. We can make people aware about the environmental issues. कि कैसे हमारी गलतियों के वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स की सिचुएशंस पैदा हो रही है। बिल्कुल। Guys, मैं अपने कॉलेज के ग्रुप में मैसेज डाल रही हूँ। तुम भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे लोगों को इनवाइट करो टू ज्वाइन अस। थैंक्स या नील। नील? नील कहाँ चला गया? चला गया शायद अपनी यात्रा पर। बोलते सांस लो, लंबा लंबा सांस लो, सुबह भागो। हाँ भाई, ऑक्सीजन मिलेगा। अरे ऑक्सीजन के साथ में धुआं कितना गाड़ी का, वो देखा है तूने? नल का पानी पियो तो 30% से 80% तक प्लास्टिक फाइबर उसमें। भाई अपन लोग को सुधरना पड़ेगा, कहीं सूखा पड़ा है तो कहीं बाढ़ है, ग्लोबल वार्मिंग, इसका चर्चा बहुत होता है। कॉफी पीते पीते ये सारी बातें करने को अच्छा लगता है, मगर कुछ करना भी चाहिए। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि झाड़ लगाओ, अपने लिए नहीं अपने छोटों के लिए लगाओ। ये सारी चीजें, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें किसने की है बाबा? ये सब इंसानों ने की है। शिव प्रकृति के रक्षक हैं, हम नहीं। हमें बनना पड़ेगा, हमें शिव की बात माननी पड़ेगी। शिव प्रकृति में बसते हैं,
शिव प्रकृति के रक्षक हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HD Smartcast।